गुड इवनिंग बच्चों, आज हम 10th क्लास की साइंस का लेसन फर्स्ट है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम हमारा ऑक्सीडेशन, यानी के उपचयन। ठीक है, देखो छोटी छोटी बात है, बिल्कुल नामात्र की। देखिए इधर देखो, एक बार समझने का अर्थ है। देखो ऑक्सी यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है एडिशन ऑफ है ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया संयोजन। ठीक है, यानी आई ऑक्सीजन का क्या हो गया संयोजन, यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोजन यानी कि जुड़ना। तो जिसमें यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं उपचयन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए एग्जांपल है, जैसे मान लो कि जिंक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अब इधर देखो कार्बन है, कहते हैं कि कार्बन को जो जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या आ जाएगा CO2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, देखो आयरन है लोहे के साथ, कहता है ऑक्सीजन की क्रिया करें तो क्या आ जाएगा Fe2O3। ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, H2O के साथ भी फेरिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरी बात, जैसे और कॉपर ले लिया तो क्या है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा H2O। तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन का जिसमें एडिशन हो। ठीक है, एग्जांपल पता चल गया आपको। ठीक है, लिख लेना खाली। उसके बाद साथ के साथ एक और वर्ड लिख लेना इसमें, क्योंकि कई बार ये लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का तो एडिशन होगा ही होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या हो, हाइड्रोजन का तो क्या हो पास, ऑक्सीजन का तो संयोग हो, ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की क्या हो बोलो ह्रास, यानी कि आयनी। ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, यानी कि अनिलिप्सता, यानी कि कमी। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूवल होता हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। दूसरी है आपके पास याद रखनी है, देखो इसकी उल्टी है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक अपना रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए यानी के अपचयन अभिक्रिया। क्या है अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, देखो ध्यान से सुनो एक बार, देखो जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती हो, ऑक्सीजन की हानि होती हो और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, तो देखो इसका उल्टा हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिडक्शन में क्या होगा, यानी के आपने याद रखना है डोज रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है नहीं, तो अब आपको पता चल गया इसका मतलब क्या है, कि रिमूवल का मतलब क्या है ऑक्सीजन की तो हानि हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती हो, ह्रास होता हो। ठीक है, और या फिर क्या होता हो हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल है बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा था, देखो पढ़ा है क्या कि जैसे अब मान लो कि कॉपर ऑक्साइड है, इसको हीट करना स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा कॉपर अलग और ऑक्सीजन रिमूवल हो गया, तो ऑक्सीजन देखो सेपरेट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, क्या कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखो उसके बाद जिसमें दोनों चीजें एक साथ होती हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो अब देखो इधर देखना एक बार, एडजस्टमेंट है बिल्कुल, देखो आर ई डी, तो इससे तो क्या बन गया रिडक्शन रिएक्शन, क्या बन गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ओ एक्स तो इससे क्या बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, ठीक है। दो रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती हो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, तो दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर अक्कर साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ होता हो। देखो एग्जांपल बढ़िया है इसके, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल पढ़े थे। देखिए यहाँ बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो क्या है कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा इसको कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस में क्या आ जाएगा कॉपर। देखो भाई कॉपर ऑक्साइड है तो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ले लिया तो जिंक क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या आ जाएगा कॉपर, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो कैसे एक एग्जांपल इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो भाई इधर देखो ध्यान दोगे तो जिंक से जिंक पर गए, तो देखो जिंक से जिंक पर गए, जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी वृद्धि, जुड़ गया ना ऑक्सीजन जुड़ गया ना, एडिशन हो गया ना, तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो ऑक्सीडेशन है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन था कॉपर पर, इस कॉपर पर ऑक्सीजन है नहीं ना, तो रिमूवल हो गया कि नहीं, तो इस कॉपर से इस कॉपर पर गए तो ऑक्सीजन का क्या हुआ रिमूवल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जिस वो अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ होती हो तो उसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे एग्जांपल ये दे दिया मान लिया और उसने पूछ लिया कि भाई इसमें देखो इसमें रिडॉक्स का है कि रिडॉक्स का है कि रिडक्शन रिएक्शन का है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है कि एडिशन रिएक्शन का है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का तो नहीं आएगा एक साथ, या फिर डिस्प्लेसमेंट का वैसे पूछ लेते हैं। तो अब देखो अब आपको पता चल गया रिडॉक्स तो है ही है, इसमें रिडॉक्स तो है ही है क्योंकि दोनों चीजें हो रही हैं ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी नहीं है और रिडक्शन भी नहीं है, ठीक है, एडिशन भी नहीं है क्योंकि आगे पीछे दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एडिशन में ये बताया था कि भाई दो रिएक्टेंट एक साथ मिलकर के एक सिंगल रिएक्टेंट का निर्माण करें तो ये भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेनली क्या आ गया रिडॉक्स रिएक्शन, क्या रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। और यदि बोथ दोनों का ऑप्शन आ जाए कि भाई बोथ ये दोनों के दोनों है तो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखने हैं आपने। उसके बाद अगला टॉपिक अपना कोरोजन, ठीक है। देखिए संक्षारण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, कोरोजन। होता क्या है इससे पहले आपने रस्ट याद रखना है, रस्ट यानी कि जंग, दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। रस्ट होता क्या है, जंग क्या है, तो याद रखोगे यानी लोहे के ऊपर ठीक है, लोहे की सरफेस के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत का जमा होना क्या कहलाता है जंग, क्या कहलाता है जंग, यानी लोहे के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत का जमा होना क्या कहलाता है जंग लगना कहलाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, यानी रस्ट क्या है, तो ए लेयर ए रेड ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑन द आयरन सरफेस, ए रेड ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑन द आयरन सरफेस, तो दिस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्ट का फार्मूला याद रखना है, जंग का फार्मूला पूछ लेते हैं कई बार, तो Fe2O3 XS2, क्या आ जाएगा XS2,
जल का रासायनिक सूत्र पूछ लेते हैं तो क्या कहोगे, Fe2O3XH2O, ठीक है, यानी रस्ट का। तो तू लिखा नहीं क्या बात, कहां लिखा है? संसारण की सुनो ध्यान से, जंग लगने के बाद आ गई तो संसारण सुनिए क्या है, कोरोजन क्या है। तो अब देखो आपने पढ़ा है कि ये लोहा है, इसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो गया और ये पपड़ी लेयर जो है उतरती चली जाएगी, तो लोहा क्या हो जाएगा यहाँ से वीक, यानी कि कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो वीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रैक यानी टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संसारण जो है लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संसारण। लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संसारण, ठीक है। लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना संसारण कहलाता है। तो द इट इज द क्या है, कोरोजन क्या है, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ आयरन, ईटिंग ऑफ आयरन, EATI, खाने वाला, ईटिंग, ईटिंग ऑफ आयरन, लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संसारण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, संसारण। और कहता है प्रिवेंशन के लिए पूछते हैं तो कहता है संसारण से बचाने के उपाय, जंग लगने से बचाने के उपाय भाई, ठीक है, जंग से बचने के उपाय, तो वो तो आपको पता है ही, ठीक है नहीं। तो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्ट, तो आपको पता है पहला जैसे क्या है, पेंट करना, ठीक है नहीं, बाय पेंटिंग, ठीक है, पेंट करने के द्वारा। दूसरा ग्रीस लगा करके, बाय अप्लाइंग ग्रीस, ठीक है, तेल लगा करके, बाय अप्लाइंग ऑयल, ऑयलिंग, ठीक है, ऑयल आई बस। दूसरा है आपने पढ़ा है गैल्वनाइजेशन विधि, बाय गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण के द्वारा, ठीक है, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण के द्वारा है, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण, ठीक है, बाय अलॉय यानी मिश्र धातु बना करके, अलॉय मिश्र धातु बना करके, ठीक है। उसके बाद तो ये तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका टॉपिक है रेंसिडिटी, क्या है रेंसिडिटी, यानी विकल्प गंधिता में, विकृत गंधिता होती क्या है, एंसिडिटी क्या है। तो आपने पढ़ा है जो ऑयली फूड होता है ना, जो भी उसको हम यदि पैक्ड करके छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसको, कुछ समय के बाद उसमें जो स्मेल है और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। तो यानी विकृत गंधिता क्या है, जो ऑयली फूड है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो वसायुक्त भोजन है, वसायुक्त भोजन का कुछ समय के बाद, ठीक है, समय में यानी कि गंध में और स्वाद में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। तो लिखोगे रेंसिडिटी क्या है, तो हाँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ टेस्ट और स्मेल ऑफ द फैटी या ऑयली फूड, वसायुक्त या वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त या तेलयुक्त भोजन की, भोजन के स्वाद और गंध में परिवर्तन हो, परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ द टेस्ट और स्मेल ऑफ द ऑयली फूड या फैटी फूड, ठीक है। तो फैटी फूड, तो इससे बचाने के लिए भाई, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है, तो हम एक चीज डालते हैं नाइट्रोजन भाई, ठीक है।
ठीक है, या सोडियम बेंजोएट डालते हैं, क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट डालते हैं, या फिर क्या डालते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। तो कई कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नाइट्रोजन के जो चिप्स, चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी, ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, किस लिए, इट इज प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी, ठीक है, यानी विकर्तगंधिता से बचाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा लेसन, थैंक यू।